अभी मैं आ गया हूँ अहमद भाई के घर, बैठक में बैठ गए हैं। तो यार हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। तो आज तारीख है जी 28 जून साल 2023, और अभी टाइम यार टाइम चल ही नहीं रहा है। टाइम चल ही नहीं रहा तो टाइम का पता नहीं यार। टाइम अराउंड अबाउट 4 बज गए हैं यार। तो मैं पहले गया था सुबह जी अकेडमी, अकेडमी से 10 बजे छुट्टी हुई। अकेडमी से 10 बजे छुट्टी के बाद आया घर, आया थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाया। फिर मैंने यार कहा कि क्यों ना दाढ़ी सेट करवा ली जाए, बाल बनवा लिए जाएँ, पप्पू शप्पू ही बन जाए यार। ईद आ रही है, कल ईद है, और पहले वाले तो मेरे आप लोग देखते हैं मेरे इतने बड़े बाल हो रहे थे और इतनी बड़ी दाढ़ी हुई हुई थी ना बस। तो अभी मैंने यार वहाँ से फ्री होके आया हूँ, तो घर आया हूँ तो पानी नहीं है। अभी बैठा हूँ बस पंखे के आगे, पानी आता है तो फिर नहाऊंगा। तो यार अभी मैं आपको वेलकम करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो यार अभी मैं देख रहा हूँ तो पानी नहीं आया यार, लेकिन टैंकी का पानी देखते हैं। तो ऐसे जैसे पानी आग पे रख के उबाला हो, गर्म किया हो, इतना गर्म पानी होगा। तो इस पानी से तो मैं नहीं नहाऊंगा भाई, कभी भी नहीं नहाऊंगा। तो अभी यार जब पानी आएगा फिर नहाऊंगा। तो भाई साहब पानी देखें और हवा भी देखें, बड़ी ठंडी हवा आ रही है इसकी। अभी इसमें हमने बर्फ़ नहीं रखी, बर्फ़ रखेंगे तो फिर और ज़्यादा ठंडी हवा आएगी इसकी। तो गाइस अभी मैं नहा के फ्री हो गया हूँ। देखो यार कैसा लग रहा हूँ, पप्पू शप्पू लग रहा हूँ कि नहीं, आगे थोड़ा सा फ़र्क हुआ है कि नहीं यार बताएं। नहीं फ़र्क हुआ तो फेशियल वगैरह करवा लेते हैं हम। नहीं है भाई, तो यार अभी ना मुझे एकेडमी से हुई है सिर्फ 3 छुट्टियाँ और संडे को भी जाना है जी। तो अभी देखते हैं यार क्या सीन है, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना करना है। तो देखते हैं व्हाट्स गोइंग। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अहमद भाई के पास, काफ़ी दिन हो गए हैं यार उसके पास गया नहीं। तो वो सोच रहा होगा कि स्नैन पता नहीं कहाँ चला गया, गायब ही हो गए। तो इतने दिन हो गए हैं उसके पास नहीं गया, जाता हूँ उसके पास, उससे मिलता हूँ, फिर कल इंजॉय भी तो करना है, घूमने फिरने भी तो जाना है इकट्ठे। तो अभी चलते हैं यार अहमद भाई के पास, फिर मिलते हैं। भाई अभी मैं अहमद भाई के पास आ गया हूँ, उसको बुलाया बहुत है। अभी फिर चलते हैं कहीं, या बैठते हैं या उसके घर में बैठते हैं या घर चलते हैं। अहमद है तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ अहमद भाई के घर, बैठने हैं। तो यार ईद मेरी तो ईद क्या है, मुझे तो मेडिकल के औजार ही नज़र आ रहे हैं हर जगह पे। स्टेथोस्कोप नज़र आ रहा है, जो होता है डॉक्टर्स का कोट होता है वो नज़र आ रहा बस। तो यार यही लाइफ है हमारी। तो भाई उन्होंने इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि उन्होंने बेचारे ने छड़ना ही नहीं पिया था। असी मसे छड़ाया हम तो देख लिया। तो गाइस अभी यार मैंने टाइम देखा है तो 6:10 हो गए। मैंने कहा यार घर चलता हूँ, फिर मम्मा परेशान हो जाती और वो कहती हैं कि पता नहीं कहाँ इतना टाइम गुजार के आ गया। और फिर वैसे भी आज है चांद रात है, चार रात तो 9 दिन पहले हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों की चार रात ईद से एक दिन पहले ही होती है। तो छोटों के लिए लेने जाना है, पहले आपको बताया सामान ले कर आना है, और मैंने अपनी भी जूती लेनी है। जूता लेना यार, मेरा जूता भी खराब है तो मैं जूता लेना है। लास्ट ईद पे मेरे से गलती हो गई, मैंने ना वो बंद शूज़ ले लिए, तो वो गर्मी में पहने नहीं जाती इसलिए वो वैसे ही पड़े हैं। अभी मैं लूँगा सैंडल, सैंडल टाइप खुले जैसे जूते होते ना वैसे लूँगा, घर में और पहने नहीं। तो अभी मैं घर चलता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं घर आ गया हूँ और मम्मा ने फ़ोन करके मुझे इतनी गालियाँ दी, इतनी प्यारी प्यारी अलकाबाद से नवाजा मुझे कि तुम्हें घर बार का नहीं पता। हालांकि मैं घर में बता के गया था, चले घर आ गया हूँ, बेइज्जती वगैरह करवा ली मम्मा से। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। तो गाइस अभी मैं छत पे आया हूँ, तो मैंने ना यार मैं सामान लेने गया थोड़ा सा बाहर, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई
वो चीज़ क्या है वो मैं अभी छत पे आया हूँ, छत पे आके नज़र आ सकते थे, नीचे से नहीं नज़र आएगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें वो देखें माशाल्लाह। वो देखें वहाँ से ना माशाल्लाह, यहाँ से भी और माशाल्लाह छत पे हवा भी बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही है। तो गाइस अभी हम बैठे हैं छत पे, मैं और हसन नीचे चले आए ये, और म्यूज़िक चल रहे हैं, सुने भजन। और एक और चीज़ भी माशाल्लाह वो देखें, प्यारा सा चांद देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम इसको करते हैं जूम, और हमारे मोबाइल का भी जूम टेस्ट अच्छा है भाई जान, देखें माशाल्लाह। तो गाइस हम रात को लेट आया था घर, और उनसे ले आए थे सामान, चूड़ियाँ वगैरह, बैग वगैरह, पर्स वगैरह, तो काफ़ी देर हो गई थी, रश बहुत ज़्यादा था, तो जब घर आया तो पूरा थका हुआ था, जिसम दर्द कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं सो जाता हूँ, मैं सो गया आगे, और वैसे भी लाइट नहीं थी, तो यार अभी उठो नमाज ये, मैंने कहा क्यों ना यार व्लॉग कमेंट कर लिया जाए, और यहीं पे बस यार व्लॉग कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को करना लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में, क्या रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। यार अपने नहाने के लिए जो सामान रिक्वायर है वो मैंने ले लिया है।